तो वो सरकार में थे तो वो क्यों नहीं कराए? उनके जमाने में जो विपक्ष में हम लोग थे तो हम लोग एकदम ईमानदार थे, हम जातिवाद जनगणना के पक्षधर हैं। हम 20 साल से चिल्ला रहे हैं, हमने जब आवाज उठाई, हमारे नेताओं ने मिलकर जब आवाज उठाई, आज क्यों चिल्ला रहे हो? 20 साल पहले से भारतीय समाज पार्टी की सेना, भारतीय समाज पार्टी के लोग 20 साल चिल्ला रहे थे, जब तुम सत्ता में थे तो तूने क्यों नहीं किया? काम नहीं करोगे, अधिकारियों से काम नहीं करने दोगे, अपने काम करोगे, अपने हित की बात करोगे? आज जब ईडी सीबीआई काम कर रही है तो आप आरोप लगा रहे हो। राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तो वो कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया पहुंचता है, वो उसकी जांच नहीं कर पाए। पूरे दुनिया में आतंकवाद खत्म होना चाहिए, भारत ही नहीं पूरा दुनिया उसकी चपेट में। जहां लड़ाई लड़नी है वहां तो नहीं बोल पाते हैं। जब सदन चल रहा था तो सदन में तो आवाज नहीं उठ पाई, प्रतिपक्ष के नेता हैं वहां अगर बोलते तो मजबूती रहती ना, बाहर बोलने से क्या है? अब उनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है, वो अब घूम घूम के खाली आंदोलन करें और दूसरा काम नहीं कर सकते। आज भारत और पाकिस्तान का मैच है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी इस मैच को देखने स्टेडियम में जाएंगे, क्या लगता है कितना रोमांचक होगा और क्या इस मैच को लेकर कहेंगे आप? कोई नई बात है का? जब घुरहू निरहू कतवारू पवारू जाते हैं देखने, तब आप लोग चर्चा नहीं करते हो, उनकी भी कम से कम चर्चा करो। खेलेगा तो क्रिकेटर जो खेलते हैं, प्लेयर वही ना खेलेगा कि प्रधानमंत्री जी खेलने जा रहे हैं, वो तो देखने दर्शक हैं। जैसे वहाँ लाखों लोग जा रहे हैं दर्शक, उससे वो दर्शक हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग, क्या यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भारत के तरफ से जो प्रयास हो रहा है कि पूरे दुनिया में आतंकवाद खत्म होना चाहिए, भारत ही नहीं पूरा दुनिया उसकी चपेट में, तो उसको ख़त्म करने के लिए अगर कोई अभियान चला रहा है तो उसका सहयोग करना चाहिए। जब जिस परिवार का लड़का आतंकवादियों की भेंट चढ़ जाता है, जब उसकी लाश उसके दरवाजे आती है, तब उससे पूछो कि उसके ऊपर क्या गुजरती है। ।2024 लोकसभा चुनाव का क्या मैनिफेस्टो रहेगा इस बार भाजपा सरकार की? भाजपा वालों से पूछिए, सुभाषपा वालों का पूछिए तो बता दें। सुभाषपा वालों का, भाजपा वालों का गठबंधन है सर, इसलिए गठबंधन है तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है। NDA में हम लोग शामिल हैं जी, हम लोग अपनी पार्टी का आंदोलन चलाते हैं। अब NDA में अलग अलग विचार के अलग अलग लोग शामिल हैं ना। अब जो तमिलनाडु केरल के जो लोग हैं, जो गुजरात के हैं, कोई आंध्रा का है, कोई बंगाल का है, कोई त्रिपुरा का है, कोई बिहार का है, तो सबके अलग अलग स्टेटों की अलग अलग समस्याएं हैं। एक समस्या सबकी है रोजी रोटी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबकी समस्या है। इस समस्या को लेकर सब लोग लड़ते हैं। हर दल कितना ही बड़ा गठबंधन बना ले, हमेशा वो विकास की ही बात करता है। तो विकास का क्या है? अगर आज दलगत राजनीति से हट के देखिए तो जितना रेलवे का विकास हुआ है इस सरकार में, बेशक कांग्रेस की सरकार में काम हुए, लेकिन जितना विकास जिसको कहते हैं, स्टेशन पर खड़े होइए तब आपको लगेगा कि नहीं स्टेशन का विकास हुआ कि नहीं। जो सिंगल रेलवे लाइनें थी आज वो डबल में तब्दील हो गई, वो भी रही हैं। आज जितने भी आप हाईवे पाएंगे, सड़क का निर्माण, लंबी सड़कें बड़ी संख्या में बनी हैं। अब रहा सवाल
कि जो गरीबों के विकास की योजनाएं हैं, अब हम बोलेंगे तो फिर विरोध वाली भाषा हो जाएगी, कि गरीबों के विकास की जो योजनाएं हैं आज मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में, आप उठा के देखो, राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तो वो कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया पहुंचता है, वो उसकी जांच नहीं कर पाए कि बीच में 85 रुपया कहाँ चला गया। आज मोदी जी सीधे दिल्ली से RBI से पैसा, हम जातिवाद जनगणना के पक्षधर हैं, हम 20 साल से चिल्ला रहे हैं, हमने जब आवाज़ उठाई, हमारे नेताओं ने मिलकर जब आवाज़ उठाई, ये आवाज़ अखिलेश जी को भी कान में गई, राहुल जी के भी कान में गई, मायावती जी के भी कान में गई। आज जो लोग भी चिल्ला रहे हैं उनसे ईमानदारी से पूछो कि आज क्यों चिल्ला रहे हो, 20 साल पहले से भारतीय समाज पार्टी की सेना, भारतीय समाज पार्टी के लोग 20 साल चिल्ला रहे थे जब तुम सत्ता में थे, तो तूने क्यों नहीं किया? हर 10 साल पे जातिवाद जनगणना होनी चाहिए। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार और 40 साल कांग्रेस की सरकार, क्यों नहीं किया इन लोगों ने? क्या कारण था? ये नहीं चाहते थे। बयान सुनिए राहुल जी, सोनिया जी का बयान सुनिए, जब सरकार में थे, हम जाति को बढ़ावा नहीं देना चाहते, इस नाते जातिवार जनगणना नहीं चाहते। इसका बयान है सोनिया जी का लोकसभा के अंदर, जातिवार जनगणना जो 11 में हुई थी उसको सार्वजनिक करने के लिए जब सामने बात आई, उस पेपर को किसने फाड़ा? राहुल गांधी ने फाड़ा। किस मुंह से चिल्ला रहे हो? राहुल जी के साथ अखिलेश जी भी थे, उनके पिताजी अखिलेश जी के, माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, मायावती जी का भी समर्थन था, क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? भैया, आप लोग जब सत्ता में रहोगे तो काम नहीं करोगे, अधिकारियों से काम नहीं करने दोगे, अपने काम करोगे, अपने हित की बात करोगे। आज जब ED CBI काम कर रही है तो आप आरोप लगा रहे हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।